हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नया सिलेबस है फिफ्थ सेमेस्टर का जीटीयू का है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये नया कोड है फिफ्थ सेमेस्टर का 4350601। वैसे आपको ये पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। फिफ्थ सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। अगर पुराने वाले की भी मैं बात करूं तो पुराने में भी फिफ्थ सेमेस्टर में ही ये सब्जेक्ट आता था, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, और अभी भी ये फिफ्थ सेमेस्टर में ही आ रहा है। बात करेंगे अगर क्रेडिट की, तो आप देख सकते हो लेक्चर यहाँ पर वीक में 3 है और प्रैक्टिकल 2 है। ठीक है, 2 आवर्स का प्रैक्टिकल है एंड 3 आवर्स का लेक्चर्स है। ठीक है, टोटल क्रेडिट जो है वो 4 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 30 मार्क्स जो दिए हैं वो है एग्जाम के, इंटरनल एग्जाम जो होते हैं ना उसके मार्क्स हैं, और ये जो 70 मार्क्स हैं वो एक्सटर्नल जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसमें। ठीक है, और ये जो है प्रैक्टिकल मार्क्स, जिसमें से ये 25 CA है, ठीक है, और ये 25 ESE एंड सेमेस्टर एग्जाम का है। ठीक है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, और CA जो है वो कंटिन्यूअस असेसमेंट का है। अच्छा, इसमें जो ये 30 है इसके लिए क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 मार्क्स जो है उसको आपने यहाँ पे बोला भी है कि 30 में से 10 मार्क्स ऐसे माइक्रो प्रोजेक्ट का आपको देना है और 20 मार्क्स एवरेज टेस्ट का मार्क देना है। मतलब 2 टेस्ट होंगे जिसके एवरेज जो होंगे 20 में से वो मार्क्स उसको रखने हैं। ठीक है, थीके? अभी यहां पर देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आउटकम्स, जिसमें टोटल प्रैक्टिकल आउटकम्स है। यहां पर आप देख सकते हैं कि फाइननेस या साउंडनेस सीमेंट की बात कर रहा है, साउंडनेस सीमेंट फाइंड आउट करने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट की बात कर रहा है, फिर एग्रीगेट का फ्लैकीनेस इलोंगेशन है कोर्स एग्रीगेट का, फिर कोर्स एग्रीगेट का इंपैक्ट वैल्यू, यहाँ पे देख सकते हैं इंपैक्ट वैल्यू की बात कर रहा है, क्रशिंग और एब्रेजन वैल्यू, ये 3 जो टेस्ट होते हैं इसकी भी बात कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है, ग्रेडिंग जोन, फाइन एग्रीगेट का जो ग्रेडिंग जोन है वो डिटरमाइन करने की बात कर रहा है, प्लस सुटेबल प्रोपोर्शंस बताने हैं कि ऑल एग्रीगेट एज पर ग्रेडिंग लिमिट ये बताने हैं, और मेजर वर्केबिलिटी जैसे स्लम्प टेस्ट के होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, फ्लो टेस्ट होता है, वीवी कैली वैली होता है, कंसिस्टोमीटर होता है, ये सारे जो के थ्रू हम वर्केबिलिटी को मेजर करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हैं। ठीक है, इसमें जो फील्ड टेस्ट होता है ना वो स्लम टेस्ट, अगर कोई पूछे कि फील्ड टेस्ट कौन सा है तो स्लम टेस्ट। ठीक है, डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्पेसिमेन, कंक्रीट का जो भी है कंक्रीट का स्पेसिमेन, मतलब कंक्रीट का ब्लॉक बनाएंगे और उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि सिलेंड्रिकल या बीम का बनाएंगे, बीम जैसा या सिलेंड्रिकल जैसा, और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। 11th नंबर पे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑन कंक्रीट है, रिबॉर्ड हैमर का यूज करते हुए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट में है कंक्रीट मिक्स डिजाइन प्रोपोर्शंस के हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, एज पर गाइडलाइंस के हेल्प से। इसमें वो आवर्स दिए हैं, टोटल 28 आवर्स है, इसका मतलब हर वीक में 2 होंगे, तो इसका मतलब अभी इसके हिसाब से लगा सकते हैं कि 14 वीक लगेंगे, 14 वीक में ये कंप्लीट होगा। आ जाते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ये इक्विपमेंट की बात करेगा तो ये इतने सारे इक्विपमेंट हैं, इक्विपमेंट भी यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में आप मटेरियल्स, कंक्रीट के लिए जो मटेरियल होते हैं ना, जैसे सीमेंट है, एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट होता है, और वाटर, इनको मिलाकर हम कंक्रीट बनाते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, पूरा का पूरा डिटेल में, सीमेंट कैसे बनता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, उसके जितने भी सुटेबल कंडीशंस होते हैं उसके बारे में, मतलब पूरी डिटेल में इसको हम 9 लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 9 लेक्चर्स में ट्राई करेंगे कि कंप्लीट होगा, और वैसे 9 लेक्चर में होता नहीं है, बड़ा है ये, लेकिन अगर अच्छे से मतलब इसको डिटेल में करते हैं तो ज्यादा लेक्चर्स में भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है फ्रेश कंक्रीट, जैसे मतलब इनको मिला के जब तुरंत जो बनाया जाता है ना, तो उस वो टाइम के जो कंक्रीट होता है उसको फ्रेश कंक्रीट बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि वर्केबिलिटी, फ्रेश कंक्रीट का फाइंड आउट करना, कंक्रीट
कंक्रीट कैसे बनाएंगे, ठीक है, जैसा वर्केबिलिटी चाहिए वैसा कंक्रीट कैसे बनाएंगे, अच्छा कंक्रीट वो बनाने का प्रोसेस क्या है पूरा, वो चीजें हैं, ठीक है, थीके? और कौन कौन से मेथड है क्यूरिंग करने के लिए, ये सारा कुछ डिटेल में है। थर्ड यूनिट में आ जाएंगे तो हार्ड एंड कॉन्क्रीट। हार्ड एंड कॉन्क्रीट वो कॉन्क्रीट होता है जैसे कि मान लीजिए आप देखे होंगे कि जैसे आप मतलब स्ट्रेंथ लेने योग्य बन जाए, मान लो कि हमने कॉन्क्रीट बनाया फिर बाद में प्लेस कर दिया, कुछ टाइम के बाद से क्या हो जाता है कि वो मतलब उसकी वो लोड थोड़ा कैरी करने लग जाता है, लोड कैरी करने लायक हो जाए ना तो उसको बोला जाता है हार्ड एंड कॉन्क्रीट, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर उसमें पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर फोर्थ की बात करेंगे तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन है, ठीक है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन फोर्थ वाले चैप्टर में कर लेंगे। फिफ्थ चैप्टर में अगर मैं बात करूं, अच्छा ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन की अगर मैं बात करूं ना, तो जो किस प्रकार का कितने ग्रेड का कंक्रीट बनाना उसके लिए प्रोपोर्शन डिसाइड करने पड़ते हैं, तो वो प्रोपोर्शन जो डिसाइड करते हैं वो कंक्रीट मिक्स डिजाइन के हेल्प से करते हैं, ठीक है। आईएस मेथड वाला जो ट्रायल एंड एरर वाला मेथड है वो भी बेटर है। जो जो इसमें है वो सारे मेथड आपको एक्सप्लेन करके समझाए जाएंगे। फिफ्थ यूनिट की अगर मैं बात करूं, पांचवे यूनिट का, तो केमिकल एडमिक्सर्स, बहुत सारे एडमिक्सर्स होते हैं जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, और कुछ स्पेशल टाइप के कंक्रीट होते हैं, मॉडर्न ट्रेंड है, उनके बारे में ये चैप्टर चैप्टर नंबर फिफ्थ में देखेंगे। चैप्टर नंबर सिक्स और लास्ट है, ठीक है, रिपेयर रिहेबिलिटेशन एंड रिट्रोफिटिंग ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, मतलब जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से क्रैक्स आते हैं या अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे या रिहेबिलेट करेंगे या रेट्रोफिटिंग करेंगे, ये सारा कुछ मतलब डिटेल में इसके बारे में भी सीखेंगे। तो ये पूरे मतलब यूनिट है। अच्छा इस यूनिट के हिसाब से थोड़ा सा मार्क्स देख ले कि यूनिवर्सिटी में कितना मार्क्स का पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो यूनिट है वो 10 मार्क्स का है, पहला जो यूनिट है वो आपका 10 मार्क्स का है, दूसरा जो यूनिट है वो 14 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का है दूसरा यूनिट। फ्रेश कंक्रीट ज्यादा ही मार्क्स कवर कर रहा है, साथ साथ में हार्ड एंड कंक्रीट भी 14 मार्क्स कवर कर रहा है, ठीक है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन की बात करूंगा तो वो 10 मार्क्स कवर कर रहा है, और फिफ्थ चैप्टर की बात करें केमिकल एडमिक्सर स्पेशल कंक्रीट एंड मॉडर्न ट्रेंड की बात करें तो 12 मार्क्स, और लास्ट वाला जो है वो 10 मार्क्स, ये टोटल मिला के 70 मार्क्स कवर करते हैं, ठीक है। ये 70 मार्क्स यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कई लोगों को दिक्कत होता है कि ये आर लेवल क्या है, यू लेवल क्या है, ए लेवल क्या है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि आर मतलब होता है रिमेम्बर, मतलब याद करके, ऐसे क्वेश्चन जो याद करके लिखे जा सकते हैं। यू मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब आप उसको समझ अगर समझे हैं तो ही इसको लिख पाएंगे, ऐसी लेवल का होता है। और तीसरा है एप्लीकेशन, मतलब समझ के अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बेस पे ये पूरा डिटेल में इसको समझना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, ये पूरे के पूरे अगर यहाँ पर देखेंगे, तो अगर आप रेफरेंस देखना चाहते हैं तो रेफरेंस बुक में देख सकते हैं कि एमएस सेट्टी जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी थियरी एंड प्रैक्टिक्स का बुक है वो एम एस सेट्टी ऑथर ने लिखे हैं, ठीक है, एस चंद पब्लिकेशंस का है, तो उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। फिर संथा कुमार ए आर का भी कर सकते हैं, एमएल गंभीर का भी कर सकते हैं, पी कुमार मेहता या पॉलो जे एम मोंटोरियो इनका भी प्रेफर कर सकते हैं। ये सारे रेफरेंस हैं जहाँ से आपको ये पूरा का पूरा डिटेल उसमें मिल जाएगा। साथ साथ में एनपीटीईएल का भी कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी बाय आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली का जो एनपीटीईएल का वीडियोज है वो यहाँ से, ये कोर्स भी, लर्निंग वेबसाइट भी है, सॉफ्टवेयर भी है, और यहाँ तक कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी का अगर देखना है तो ये एक चैनल है यूट्यूब का, उसमें लेबोरेटरी टेस्ट किस तरीके से करना है वो चीजें भी यहाँ पर दिया हुआ है, वीडियो सीरीज है कॉन्क्रीट का, वो यहाँ से प्रिफर कर सकते हैं। वर्चुअल लैब बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी है। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना इसको सिलेक्ट करके भी आपको बता देता हूँ कि ताकि आइडिया आपको मिल जाए। जैसे मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद दूसरा चालू हो जाएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से इस तरीके से सिलेबस ओपन करोगे ना तो वहां पर आपको ये दिख जाएगा और उसके थ्रू आप मतलब ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो जानकारी आपको आइडिया मिल गया होगा। तो इतने आइडियाज के साथ आपको पूरे का पूरे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और
जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं मतलब ट्राई करूंगा कि इनके बारे में पूरे के पूरे डिटेल में वीडियोज बना के आपको प्रोवाइड करूं, नया सिलेबस है, नए तरीके से आपको बताऊंगा। हालांकि अगर मेरे चैनल पे देखेंगे तो ऑलरेडी इसके वीडियोज हैं, ठीक है, मैक्सिमम मैंने कवर कर दिए हैं, उसमें 80% सिलेबस कंप्लीट कर दिया, 80% भी नहीं बोलेंगे तो चलो 75% सिलेबस मैंने कंप्लीट किए हैं, तो उसको भी प्रिफर कर सकते हैं। प्लस मैं नए तरीके से भी इसको बनाकर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर कर लें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। आगे की और भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सारे डिटेल हम आपको वन बाय वन करके बताते रहेंगे। थैंक यू।